सैमसंग ने 2019 में जैसे अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है कि वो लो प्राइस में आपको एक बेटर फ़ोन देना चाह रहा है, जैसे कि उसने अब लॉन्च किया है सैमसंग ने अपना M10 और फिर M20, दोनों ही बेटर फ़ोन और बहुत अच्छे स्पेक्स के साथ आपको कम प्राइस में मिल जाते हैं। इसी तरह अब लॉन्च करने वाला है M30 जो कि 27 फरवरी को लॉन्च होगा, तो उसी तरह से काम करते हुए कि सैमसंग ने अपना नया मॉडल जो ए सीरीज़ के फ़ोन है उनमें A50 लॉन्च करने वाला है, जिसकी कुछ लीक हमें मिली है कन्फर्म स्पेसिफिकेशन के साथ हम आपको बताने के लिए लेके आए हैं। एक्चुअली क्या है कि सैमसंग का जो A50 है वो लॉन्च होगा 6.4 इंच की डिस्प्ले के साथ। एमोलेड डिस्प्ले आपको उसमें मिलने वाली है, इन्फिनिटी यू वाली डिस्प्ले होगी, यानी कि अब आप समझ जाओ कि फुल व्यू वाली डिस्प्ले आपको मिलने वाली है, जिसमें सिर्फ एक आपको नोच मिलेगा, जैसे कि मिलता है रियलमी 2 प्रो में आपको एक नोच मिलती है, सिर्फ कैमरे के लिए एक स्पेस होता है आपको जो मिलता है, ठीक है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें एक्सिनोस 9610 आपको चिपसेट मिलेगा, बहुत अच्छा प्रोसेसर है सैमसंग का अपना, पावरफुल प्रोसेसर आपको मिलने वाला है 9610। अगर इंटरनल मेमोरी और स्टोरेज की बात करें कि आपको रैम और उसकी, तो रैम आपको 4GB रैम और 64GB का एक वेरिएंट मिलने वाला है, दूसरा वेरिएंट होगा 6GB और 128GB का वेरिएंट होगा। माइक्रो एसडी कार्ड आप लगा सकते हो, डेडिकेटेड माइक्रो कार्ड के लिए आपको स्लॉट मिलेगा जिसमें आप 1TB तक माइक्रो एसडी कार्ड यूज़ कर पाएंगे। बैटरी की अगर हम बात करते हैं, बैटरी मिलने वाली है आपको 4000mAh की बैटरी मिलेगी, फास्ट चार्जिंग मिलेगी, USB टाइप सी का सपोर्ट मिलेगा और 15W का आपको चार्जर भी साथ में मिलेगा। ये भी आपका एंड्रॉयड 9.0 पाई पे ही काम करेगा। सेल्फी कैमरे और कैमरेज की बात कर लेते हैं, कैमरा जो आपको मिलने वाले हैं इसमें, सेल्फी कैमरा को 25MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा, रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है, तीन कैमरे आपको रियर में मिलेंगे। जैसे पहला कैमरा होगा 25MP का, सेकेंडरी कैमरा मिलेगा 5MP और थर्ड कैमरा होगा 8MP का। अब बात करते हैं सिक्योरिटी, फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक की, तो सिक्योरिटी में आपको फिंगरप्रिंट मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलने वाला है, जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल सभी फ़ोन आ रहे हैं, ओप्पो K1 में भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिला था और हाई एंड डिवाइसेस में तो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल ही रहा है। तो उसी तरह से अभी प्राइस की एक्चुअली कोई कन्फर्मेशन है नहीं कि सैमसंग का A50 आपको किस प्राइस पर मिलने वाला है, जैसे ही प्राइस की कन्फर्मेशन आएगी हम आपके लिए एक नई वीडियो बना के ले आएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है सैमसंग A50 के बारे में हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।